के 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम फेस को लेकर बीजेपी में अंतिम कवायद की जा रही है। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह कल जयपुर पहुंचेंगे और कल ही विधायक दल की एक बड़ी बैठक होगी। बैठक के बाद नए सीएम का ऐलान संभव बताया जा रहा है, तो 2 डिप्टी सीएम के नाम की भी घोषणा की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी सबको साथ लेकर चलना चाहती है और यही वजह है कि बताया जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम के नामों का भी ऐलान हो सकता है। सीएम की रेस में शेखावत और वसुंधरा राजे का नाम शामिल बताया जा रहा है। तो राजस्थान में नई सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 2024 को देखते हुए कैबिनेट की रूपरेखा तय की जाएगी। कैबिनेट में महिला चेहरों को भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के पक्ष में वोट डाले हैं, तो युवा चेहरे को भी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आदिवासी चेहरे को भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, दलित चेहरे को भी शामिल किया जा सकता है, ये बड़ी खबर। तो लगातार कवायतें की जा रही हैं, बैठकें की जा रही हैं, कल विधायक दल की बैठक होगी और इसके बाद ये फाइनली तय किया जाएगा कि आखिर राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जातीय समीकरण साधने की भी उम्मीद जताई जा रही है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बड़ी खबर यह है कि जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश की जाएगी, मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो सवाल है ही, 2 डिप्टी सीएम और कैबिनेट का नाम भी तय करना है। जी बिल्कुल, देखिए अब राजस्थान का फॉर्मूला नेतृत्व ने तय किया है और कल विधायक दल की बैठक होगी और बैठक के बाद तमाम जो है वो सामने आ जाएंगे, चाहे बात तो अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ गए, राजस्थान में कमल भी खिल गया, लेकिन उसके बाद से लगातार सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कवायतें इसको लेकर लगातार की जा रही हैं, कई बैठकें भी हो चुकी हैं। कल एक और बड़ी बैठक होने वाली है, विधायक दल की बैठक, जहां पर तीनों पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह भी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वो भी विधायक दल की बैठक लेंगे और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर विधायक क्या चाहते हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट पर्यवेक्षकों की ओर से तैयार की जाएगी और ये रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी जाएगी, लेकिन माना यह जा रहा है कि अंतिम फैसला सीएम को लेकर आला कमान का ही होगा। सौरभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, सीएम कौन होगा ये बड़ा सवाल है और कैबिनेट में किसे किसे शामिल किया जाएगा इसे लेकर कहा जा रहा है कि कई समीकरण को भी साधने की कोशिश की जाएगी, महिलाओं से लेकर युवाओं और जाति समीकरण पर भी फोकस रहने वाला है। जी बिल्कुल, यही कारण है कि इतनी देर जो है वो राजस्थान को लेकर हो रही है और अब ये बात सामने आई है, चूंकि पर्यवेक्षक की नियुक्ति के साथ ही अब ये स्पष्ट हो चुका है कि राजस्थान को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने फॉर्मूला जो है वो तय कर लिया है और माना जा रहा है कि सीएम फेस हो या फिर डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल, तमाम नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं। लेकिन चूंकि विधायक दल की बैठक जो है वो कल प्रस्तावित है, इसलिए आज से पहले विधायक दल की बैठक में जो तीनों पर्यवेक्षक हैं वो विधायकों की राय जो है वो जानेंगे और एक तरह से इस विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव जो है वो पारित होगा कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो जो तय करेगा वही सभी को मंजूर होगा। लेकिन क्योंकि राजस्थान में अगले साल जो है वो लोकसभा के चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर ही जो है वो तमाम रणनीति जो है वो तय की जा रही है, किस प्रकार से क्या नफा नुकसान जो है वो हो सकता है उसका ख्याल जो है वो रखा जा रहा है, सोशल इंजीनियरिंग किस प्रकार से करनी है, क्योंकि जिस प्रकार का मैंडेट बीजेपी को मिला है तो सभी जाति वर्गों को साधना जो है वो बीजेपी के लिए चुनौती है। इसलिए आज से मंत्रिमंडल में कौन बड़े चेहरे जो है वो शामिल किए जा सकते हैं, किस प्रकार के फैसले जो है वो सरकार गठन के बाद लिए जाने हैं, उन तमाम पहलुओं पर जो है वो इस वक्त चर्चाएं जो है वो लगातार जारी है। आज शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो तमाम विधायकों से चर्चा करेंगे और एक तरह से इन तमाम विधायकों को ये गुट्टी पिलाई जाएगी कि संगठन जो है वो राजस्थान को लेकर गंभीर है। ठीक है, सौरभ आपके साथ बने रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने